subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. हाँ अच्छा, मैं आपसे फिर बात करती हूँ। जी जनाब, किससे बातें हो रही थी? अम्मी से। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। कैसा है? जबरदस्त। वैसे आप कुछ ज्यादा ही फजूल खर्ची के आदी होते जा रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं सर से पांव तक तुम्हें सोने से सजा दूँ। और आपका बस चले तो आप ये काम कल ही कर दें। कल क्यों, आज ही। वैसे तुम इतनी कंजूसी करती हो, ये सब तुम लेके कहाँ जाओगे? अपनी कब्र में। यही सुनना चाहते हैं ना आप? Come on, please. ऐसी बातें नहीं करते। हसीब, वैसे आपने मुझे शादी से पहले जो ये बालियाँ दी थी ना, इनकी कीमत मेरी नजर में सबसे ज्यादा है। ये तो बहुत मामूली सी है। नहीं, ये आपके लिए मामूली होंगी लेकिन मेरे लिए सब कुछ है। अच्छा, अब आप इसे इतने प्यार से लाए तो मैं पहनकर दिखाती हूँ आपको। बहुत अच्छी लग रही है। अरे ये क्या किया तुमने, उतार क्यों रही हो? ये हमारी हिना के लिए काम आएगा। ओह कम ऑन राबिया, ये तुम्हारे लिए। हिना की जब बारी आएगी तब की तब देखी जाएगी। वैसे तुम में बीवियों वाली कोई बात नहीं है? बीवियों वाली कौन सी बात? यही कि उनकी फरमाइशें, उनके नखरे। देखें हसीब, आप खुद ही मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ता। अभी कुछ ही अरसे पहले तो आप मेरे लिए कितना जबरदस्त सा सेट लाए थे। उस कुछ अरसे को 8 माह गुजर चुके हैं और मुझे याद पड़ता है कि शायद मैंने तुम्हें ईद पे सूट ला के दिया था। अरे जब कपड़े धुलने के बाद इस काबिल हो जाते हैं कि पहने जा सकें तो फिर क्या जरूरत है नए सूट लेने की। आप प्लीज़ ऐसे सोचा ना करें, मैं बिल्कुल खुश हूँ। और आप ये दुआ करें कि हमारी हिना के नसीब बहुत अच्छे हों। आमीन। अच्छा, अब आप ऐसा करें, फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप, ये वक्त है आने का। कमाल करती हो तुम, अच्छी तरह से जानती हो कि इस कदर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें मैं मसरूफ रहता हूँ, देर तो हो ही जाती है, फिर इस तरह से इंक्वायरी करने का मकसद। मेहनत आप करते हैं और तोहफे छोटा लेकर आते हैं, कभी मेरा ख्याल किया है? ये जो पिछले महीने में तुम्हारे लिए वॉशिंग मशीन लेकर आया था, वो तो कोई एहसान नहीं किया था। तुम्हारे मैले कुचैले गंदे कपड़े धोती थी और तो और मासी भी बेजार हो गई थी। मशीन लाया था, बड़ा एहसान कर दिया। वैसे हद करती हो तुम, इतनी मेहनत करता हूँ मैं, अब ये रुपए दरख्तों पर तो उगते नहीं है कि टहनी को झटका दो और ढेर से आपकी झोली में आ गिरे। अपने बिसात के मुताबिक जितनी मेहनत कर सकता हूँ करता हूँ। अच्छा चलो छोड़ो, अब मुझे भूख लगी है, प्लीज खाना दो। हाँ हाँ बैठे लेकर आती हूँ। पता नहीं इसको कब अकल आएगी। सारी चीजें मैंने रख दी थी। वैसे ये हिना अभी तक सो रही है, उसको स्कूल नहीं जाना? जनाब आज सैटरडे है और आज उसकी छुट्टी होती है। ओके ओके सॉरी, मैं भूल गया। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज।
अरे इफी, यहाँ क्या कर रहे हो? जी मम्मी, वो मुझे भूख लग रही थी इसलिए। भूख लग रही थी? छुट्टी वाले दिन भी जल्दी उठ के बैठ जाया करो, वैसे उठा उठा के बेजार हो जाती हूँ। भूख लग रही थी। बड़ी अम्मी, बड़ी अम्मी। जी ना बेटा, क्या हुआ? पता नहीं मम्मा को क्या हुआ, बाहर गिरने गई, उनके सर से खून निकल रहा है। खून निकल रहा है? अच्छा, मेरे परेशानी है, मैं देख कर आती हूँ, ठीक है? बड़ा इतराती थी, मैं हसीब को फोन करती हूँ। अच्छा, बस अब देर मत करो, एम्बुलेंस को बुलाओ। आप यहीं रहे, मैं मुझे तो नहीं मालूम, मैं ऑफिस में था तो फोन आया, जब घर पहुंचा तो मेरी बेबी खून में लथपथ बेहोश थी। भाभी आप बताइए ना क्या हुआ? मुझे लगता है इनके सर पे गमला गिरा है, क्योंकि जब मेरी नजर पड़ी तो गमला टूटा हुआ फर्श पे पड़ा हुआ था। आपको मालूम नहीं है, इनका काफ़ी सारा ब्लड बह चुका है, जब आपको पता चल चुका तो आप इनको फौरन हॉस्पिटल में लेके आई होती। सॉरी, मुझे इस बात का कुछ अंदाज़ा नहीं है। आपने इतना सारा वक्त ज़ाया कर दिया इनको लाने में, मुझे तो इस बात का डर है कि इतना सारा ब्लड बह जाने के बाद क्या हुआ रबिया को? वो तो ठीक है, डॉक्टर्स को देख रहे हैं, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? घर अकेला है। अरे कमाल करते हो उसी, घर पर फोन किया तो इफी इस कदर बुखलाया हुआ था टेलीफोन पर, पीछे से हिना की भी रोने की आवाज़ आ रही थी। बस मेरी समझ में और कुछ नहीं आया, मैं फौरन हॉस्पिटल चला आया। क्या हुआ है राबिया को? अरे आप खामखा आ गए, मैं हूँ ना हसीब के साथ। कमाल करती हो तुम भी नौरीन। अरे अरे, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? एक्सक्यूज मी, प्लीज स्टाफ का काम करने दीजिए। लेकिन ये मेरी मिसेज है। हमें पता है, इनका फौरी तौर पर सीटी स्कैन होना है। आप कब तक रखेंगे नैया? ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए कि ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, इलाज नहीं। प्लीज आप लोग बैठिए। टेक इट इजी।
आइए प्लीज। जी आपने मुझे बुलाया। जी मेरी वाइफ की रिपोर्ट का क्या हुआ? रिपोर्ट आ गई है आपकी मिसेस की और इसमें बस एक छोटा सा स्पॉट है, ऐसी कोई ख़ास परेशानी की बात नहीं। लेकिन लेकिन क्या? देखिए अभी जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ आपको थोड़ा सा हौसले से सुनिए ये बात। भाईजान आप मेरी फिक्र नहीं करें, आप लोग घर जाएं। वैसे भी आज है ना। हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं उसका ख्याल रखूंगा, तुम फिक्र ना करो। और फिर तुम्हारी भाभी भी तो है ना, हम दोनों मिलकर उसका ख्याल रखेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें इस तरह से हॉस्पिटल में अकेले छोड़कर जाने को जी नहीं चाह रहा मेरा। मेरा ख्याल है कि आप लोग हॉस्पिटल में स्टे ना करें, इसलिए कि पेशेंट आईसीयू में है, आप लोग की यहाँ पर ज़रूरत है नहीं इस वक्त। और वैसे भी हमारे पास मेडिसिन हैं, अगर कोई मसला हुआ तो वी विल लेट यू नो। राइट, लेकिन डॉक्टर अगर आबिया को होश आ गया तो? देखिए पेशेंट इस वक्त इस कंडीशन में है कि टाइम का कुछ बताया नहीं जा सकता, 2 घंटे भी लग सकते हैं, 2 दिन, 2 महीने या प्लीज़ डॉक्टर ऐसी बातें नहीं करें प्लीज़। मेरे लिए एक दमा बहुत भारी हो रहा है। लेकिन ये थोड़ी कहा कि पेशेंट कभी ठीक ही नहीं होगी, बस ये कि टाइम का कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं रसीद। आप लोग रिलैक्स करें, आप लोग आराम से घर जाएं, कोई सी बात नहीं, हम सब हैं आपकी मिसेस का ख्याल करने के लिए। आई थिंक शी इज राइट, हमें घर चलना चाहिए। देखो हाँ जी हौसला रखो। हाँ समझा करो, वो हिना पहले ही अपनी अम्मी की वजह से बहुत परेशान है, तुम्हें देखेगी तो उसे कुछ हौसला हो जाएगा, जरा थोड़ा संभल जाएगी। घर पर चलना तुम्हारा बहुत ज़रूरी है। Let's go. Thank you very much, doctor. आप लोग परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अगर राबिया को होश नहीं आया और उसे कुछ हो गया तो क्या होगा? मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचना चाहिए। अगर किसी को शक हो गया तो? क्या बात है नौरीन? अरे ज्यादा मत सोचो, मुझे अंदाजा है कि जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ, लेकिन इस तरह दिल पे नहीं लेते। देखो तुम बड़ी हो, अब तो सारे घर की जिम्मेदारी तुम पर आयद होती है। हसीब को और हिना को भी तुम्ही को संभालना पड़ेगा। अपने आप को संभालो प्लीज। हाँ चलो अब आराम कर लो, बहुत थक गई होगी तुम, सो जाओ। शाबाश, शब खैर। मैंने सोचा था नौरीन हसीब और हिना की जिम्मेदारी वाली बात सुनकर नाराज होगी, मगर ये तो कुछ भी नहीं बोली। मैं भी कितना बेवकूफ हूं, नौरीन जबान की कितनी भी बुरी सही मगर है तो इंसान, इसे भी राबिया का दुख है। इफी क्या हुआ? कुछ नहीं, वो इफी आया था इस वक्त। हाँ चला गया, चलो तुम सो जाओ। बेटा क्या बात है, एनी प्रॉब्लम? ठहरे मैं देखती हूँ, लगता है उसे किसी चीज की जरूरत है। नहीं 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 तुम आराम करो, बहुत थक गई हो, मैं देखता हूँ तुम्हें उसे किस चीज की जरूरत हो। बेटा अभी क्या हो गया, आप रात को उस तरह से जागे हो? आपको मालूम है कि घर में इस कदर परेशानी चल रही है, आपकी मामा भी थकी हुई हैं, इस तरह से तंग तो नहीं करते हैं ना? वो डैडी मुझे आपको एक बात बतानी है।
क्या बात है बेटा, सुबह बता देना, कोई कयामत तो नहीं आ जाएगी ना? डैडी ये बात मैं सिर्फ आपको बताऊंगा। बेटा ऐसी कौन सी बात है जो आपको इस कदर परेशान कर रही है आधी रात को? किस किस्म की बातें कर रहे हो, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। डैडी अब अम्मी को मत बताइएगा प्लीज डैडी, वरना वो मुझ पर भी कमले फेंक देंगे। कम ऑन इफी, क्या हो गया है आपको? नौरीन आप पर गमला क्यों गिराएंगी? पता नहीं डैडी, मगर शायद जादू चाचा के लिए तोहफा लाए और अम्मी को ये अच्छा नहीं लगे। मेहनत आप करते हैं और तोहफे छोटा लेकर आता है, कभी मेरा ख्याल किया है? ये जो पिछले महीने में तुम्हारे लिए वॉशिंग मशीन लेकर आया था वो? तो कोई एहसान नहीं किया था, तुम्हारे ही मैले कुछ अलग गंदे कपड़े धोती थी और तो और मासी भी बेजार हो गई थी, मशीन लाया था, बड़ा एहसान कर दिया। डूब मरना चाहिए तुम्हें नौरीन, मैंने तुम जैसी औरत आज तक नहीं देखी। क्या हुआ है? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस कदर के चौकी, ऐसी मुजरमाना हरकत, कत्ल करने की कोशिश किया तुमने, कातिल हो तुम। कत्ल? कत्ल किसका कत्ल? अरे डायन भी साथ घर छोड़ देती है, तुमने तो अपने ही घर को बर्बाद करने की कोशिश की। तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ में तो हमें नहीं आया, सारा दिन तुम हॉस्पिटल में ड्रामा करती रही हो। क्या हुआ भाई, ये शोर कैसा? वसीम ये औरत, ये जिम्मेदार है तुम्हारी बीवी को इस हालत तक पहुंचाने में। इसने तुम्हारी बीवी के सर पर गमला गिराया था। क्या? मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे पुलिस के हवाले करूंगा। देखिए भाईजान ऐसा नहीं करें, इस तरह खामखा बदनामी होगी, तमाशा बनेगा। तुम इसकी तरफदारी कर रहे हो, इसकी जिसने तुम्हारी बीवी को इस हालत तक पहुंचाया, मैं इसे लॉकअप तक पहुंचा कर ही रहूंगा। देखिए भाईजान ऐसा नहीं करते, आप प्लीज ऐसा नहीं करेंगे। हसीब प्लीज मुझे मजबूर मत करो। अच्छा ठीक है, यही तुम्हारी जिद है ना, मैं इसे पुलिस के हवाले नहीं करता, लेकिन ये एक लम्हा इस घर में नहीं रह सकती, मैं इसे एक दिन के लिए अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इसे तलाक देता हूं। बस मैं इसे बस क्या कह रहे हैं आप, ये भजन क्या हो गया आपको? कूल डाउन, आप चले मेरे साथ। आप आ जाइए, बस आ जाइए, आ जाइए। वैसे साहब ने ये ठीक नहीं किया। यार हसीब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम्हें नहीं मालूम ये औरत कितनी नाशुकरी है, कितनी नाशुकरी है ये औरत। दिन रात मैं मेहनत करता हूँ, इस कदर मैं मेहनत करता हूँ कि मैंने अपने आप को एग्जॉस्ट कर लिया है। ये रीसेंट प्रमोशन भी मेरा इसी वजह से हुआ है, एडवांस इंक्रीमेंट्स मुझे मिली, इतना कमा के लाता हूँ, लेकिन ये औरत हर वक्त फरमाइशें, हर वक्त फरमाइशें, हर वक्त शिकायतें, हर वक्त शिकवे, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है इस औरत ने। कूल डाउन, कूल डाउन। ठीक है आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप ये तो सोचे भाईजान इस तरह चीखने चिल्लाने से क्या बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा। जो हुआ वो मैंने तो अपनी किस्मत में लिखा समझ के कबूल कर लिया, लेकिन लेकिन आप अपना घर क्यों बर्बाद कर रहे हैं? यार हसीब तुम कैसी बातें कर रहे हो, राबिया ने क्या गलती की थी? नौरीन ने जो कुछ किया है क्या कि ये सब कुछ काबिले माफी है? क्या उसे माफ किया जा सकता है? खुद सोचो, अगर खुदा ना खास्ता राबिया को कुछ हो गया तो। मैं खुद इतना मुश्किल में हूं,
इंसान चाहे जितना कर ले, लेकिन वही होता है जो खुदा चाहता है। इंसान कुछ भी चाहे, हाँ इंसान जब अपने इरादों को टूटता देखता है, वहां उसे एहसास होता है कि नहीं कोई जात है जो इस निजाम हस्ती को चला रही है, और वो सिर्फ और सिर्फ ज़ाते पाक है। उसकी मर्जी के बगैर एक जर्रा भी नहीं हिल सकता भाईजान। यार असी, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा। मैं नौरीन की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। कम ऑन भाईजान, कैसी बातें कर रहे हैं। आई एम सॉरी। कुछ नहीं, बस सबसे सब सेट हो जाएगा, दुआ करें सब ठीक हो जाए। दफ्तर जा रहे हो जी? नहीं भाईजान, मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। ऐसा करो कि हिना को अपने साथ ही ले जाओ हॉस्पिटल, क्योंकि इस औरत से कुछ बेहद नहीं। प्लीज असीब, मुझे माफ कर दो। कभी कभी इंसान से ऐसी गलती हो जाती है जिसका एहसास उसको बाद में होता है। मैंने तुमसे कहा था ना, असीब तुम्हें माफी नहीं दे सकता। राबिया खुद आकर तुम्हें माफ करेगी। दुआ करो कि वो ठीक होकर वापस आ जाए, क्योंकि अल्लाह ताला की जात भी तब तक माफ नहीं करती जब तक बंदा खुद माफ ना कर दे। प्लीज असीब, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आई एम रियली सॉरी। बस दुआ कीजिएगा। आपने 204 की पेशेंट को दे दी मेडिसिन? हाँ जी दे दी। अच्छा मुझे फाइल दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हो रहा है भाई? अबे मसारा भाई, आप लोगों की हिम्मत है जो ऐसे ऐसे केस हैंडल कर लेते हैं। मेरा तो सच्ची दिल दहलता है। बस हम लोग देख देख कर अब यूज टू हो चुके हैं। थकन तो होती होगी। हाँ इंसान है, थकन तो होती है, लेकिन काम है तो अब करना तो है। इट्स अ टफ जॉब। वैसे डोंट यू थिंक कि एक कप कॉफ़ी का इस सारी थकन को दूर कर सकता है? गुड आइडिया। वैसे मैं भी कॉफ़ी का सहारा लेती हूँ कभी कभी। तो फिर हो जाए एक कप कॉफ़ी? बिल्कुल हो जाए, आइए चले। क्या हुआ डॉक्टर साहब, कोई फ़र्क पड़ा? मैं आपको वही बताने के लिए आया था कि ऐसा सच तो कोई बेहतरी वाकई नहीं हुई, लेकिन हाँ मैंने एक इंजेक्शन का इजाफा कर दिया, हो सकता है उससे कुछ फ़र्क पाके हो। आप पुरुमीद तो हैं ना? देखें पुरुमीद तो हम सब लोग होते ही हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक ज़ात पाक है, और वो ज़ात पाक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है जो सब कुछ कर सकती है। अब प्लीज़ आप हौसला रखें, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। ठीक है, दो कॉफ़ी और कुछ बिस्किट्स साथ में भेज दीजिए। थैंक यू। वैसे असल मुलाकात तो आपसे आज हुई है, इससे पहले तो सिर्फ हेलो हाय थी। आपसे मिलकर वाकई खुशी हुई। सेम हियर। और ये बात मैं रिएक्शन के तौर पे नहीं कह रही, आई रियली मीन इट। वैसे इससे पहले आपके बारे में मेरा जो अंदाज़ा था वो गलत निकला। मैं पहले आपको बहुत रिजर्व और सीरियस समझती थी, लेकिन ऐसा नहीं है।
आपका एनालिसिस 50% तो ठीक है, इसलिए कि मैं घुल मिल जाती हूँ, लेकिन सिर्फ काम के हवाले से, अदरवाइज आई एम क्वाइट रिजर्व पर्सन। यानी कि तुम हर किसी से दिल की बात नहीं करती, है ना? कहा जा सकता है, लेकिन अब तो आप ही हमारी टीम का हिस्सा है और हम सब लोग यहाँ फ्रेंड्स की तरह काम करते हैं, और आप वाकई में मुझे बहुत अच्छी लगी। जब इंसान खुद अच्छा हो तो सब अच्छे लगते हैं। वैसे ये रूटीन वर्क कर करके तो आप बोर हो जाती होंगी। बिल्कुल नहीं, पता है क्यों? इसलिए कि मैं हर दिन को एक नया चैलेंज समझ कर लेती हूँ, इसलिए मुझे काम करते हुए बहुत अच्छा लगता है यहाँ। गुड, एनीवे इट्स नाइस टू मीटिंग यू। थैंक यू। आप अब तक नाराज हैं मुझसे? तुम्हारी बेहिसी की वजह से राबे अब तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। मैं वादा करती हूँ मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, प्लीज आप मुझे माफ कर दें। मैंने आसिफ से भी माफी मांग ली। मांग ली होगी, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि तुम्हारी ये जो माफी है ये राबिया की जिंदगी से मशरूत है, अब वो आकर ही तुम्हें माफ करेगी। मैं कुछ नहीं कर सकता। भजन, 24 घंटे गुजर गए, अभी तक राबिया को होश नहीं आया, वैसी की वैसी है। पता नहीं अल्लाह हमारी मुश्किल कब आसान करेगा। फिक्र ना करो असीम, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मुझे अंदाजा है परेशानी की बात है, लेकिन नौरीन ने आयत करीमा का विरद कराया हुआ है घर पर। अल्लाह से हमें बहुत पुर उम्मीद होना चाहिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ऐसे आपने भाभी को एक तलाक दे दी, आपको चाहिए कि आप जल्द से जल्द उनसे रुजू करें। पता नहीं यार, जब से इस औरत ने वो हरकत की है मेरे दिल से कुछ उतर सी गई है। भाईजान, औरत के लिए सबसे बड़ी सजा तलाक होती है, और वो सजा आप भाभी को दे चुके हैं। प्लीज अपने लिए, इफी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आप उन्हें माफ कर दें। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया, पेशेंट को होश आ गया है। शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया, वरना मेरी जिंदगी में तो बिल्कुल अंधेरा हो गया था। जानती हो, जिंदगी में पहली बार तुमने नखरा किया, वो भी ऐसा। मैंने तो यूं ही मजाक में तुमसे कहा था, तुमने सच कर दिया। चलो, इस बहाने मुझे ये एहसास तो हुआ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ।